वैन टू स्टार्ट योर एम बी ए प्रैप अगर आप बी टेक हैं या इंजीनियर हैं फोर्थ ईयर में स्टार्ट कर दीजिए अगर आप बी बी कॉम कर रहे हैं तो थर्ड ईयर में स्टार्ट कर दीजिए इफ यू स्टार्ट योर प्रपेशन आफ्टर योर ग्रेजुएशन दैन इट विल कंसडर एज अ गप एंड यू आर नॉट वर्किंग सो ऑलवेज स्टार्ट योर प्रपेशन इन दी लास्ट ईयर ऑफ योर ग्रेजुएशन आफ्टर ग्रेजुएशन जो सैलरी होती है रेंडमली वो ट्वेंटी टू या ट्वेंटी फाइव के पर मंथ के हिसाब से होती है अगर आप एम बी ए कर लेते हो टू लैक्स पर मंथ आपको मिल सकते हैं अगर आप टॉप बी स्कूल से करते हैं लेट्स टेक एन एग्जाम्पल राम शाम धाम तीनों ने ही ग्रेजुएशन सेम ईयर में करी तीनों की एज भी ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू सेम है और राइट right. अब राम ने बिना गैप के मास्टर्स कर ली ट्वेंटी फोर की एज में तो वो तब कमाने लग गया दो लाख शाम ने एक साल ड्रॉप लिया और तैयारी करी कैट एग्जाम की तो वो पच्चीस साल की कमाने लग जाएगा दो लाख और धाम ने दो साल जॉब करी फिर उसने दो में अपनी एम करी और तब वो कमाया लगेगा दो लाख बिकॉज एवरेज सैलरी हमेशा वही लगती है जो कॉलेज की है और लेट सपोज तीनों ही सेम कॉलेज में गए तब भी वही होने वाला है एनरोल विथ एल्फोरी कोर्स नाउ यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर और यू कैन विजिट द वेबसाइट लर्नफ्रम डॉट कॉम